नो बकवास, सीधी बात, यानी लेमन राइस। एक बर्तन लें, बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, हल्का सा ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें ऐड करूंगा मस्टर्ड सीड्स, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा कुछ मूंगफली के दाने, चने की दाल, धुली उड़द दाल। इन सबको करीब धीमी आंच पर 1 मिनट पकने दें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा कुछ कड़ी पत्ता, आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं या सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा हल्दी पाउडर, अच्छे से सबको मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद आप चावल को पहले से बॉईल करके रख लीजिए, या फ्रिज में पुराने चावल रखे हैं उनको इसमें ऐड कर देना, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में मैं इसमें ऐड करूंगा लेमन जूस, करीब 2 से 3 चम्मच आपको लेमन जूस से ऐड कर देना है। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे। आफ्टर दैट मैं इसमें ऐड करूंगा ग्रीन कोरिएंडर चॉप की हुई, और ये आपकी एक नई रेसिपी लेमन राइस बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।